अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, अवैध संबंध, एक्स्ट्रा अफेयर जैसी चीज़ें आपको लग रही है और पैसे नहीं सेव हो रहे हैं, घर में क्लह हो रहा है, तो देखिए क्या आपका गुलीक जो है इस घर में तो नहीं है। पिछले 7 जो आपके 6 भाग हैं वो हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में डाल दिए हैं और ये कुंडली का 7वां पार्ट है इसका और 7वां घर है। और गुलीक के बारे में बात करेंगे। गुलीक समझिए, गुलीक का दूसरा नाम मांदी है, शनि का उपग्रह होता है, इसे शनि का बेटा भी कहा जाता है। जिस तरीके से शनि की दृष्टियाँ होती हैं उसी तरीके से वह आपकी मांदी की भी दृष्टियाँ होती हैं। तो देखिए, अगर गुलीक आपका इस घर में प्रेजेंट है तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं एक दूसरे की बात को मानते रहते हैं, मतलब मजबूरी एक रीज़न हो सकता है। यहाँ पे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अवैध संबंध जो हैं वो भी होते हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर जैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जो कई लोग कहते हैं जी कुंडली में सब कुछ अच्छा है लेकिन विवाह जो है वो डिले हो रहा है, वो भी इसका ही एक रीज़न होता है। अपने जीवन साथी के धन से ये जीवन यापन करते हैं, मतलब कि मेल है तो फीमेल वर्किंग करेंगी और फीमेल है तो मेल वर्किंग करेंगे, मतलब एक दूसरे के जीवन साथी की जो इनकम होती है उससे यह जीवन यापन करते हैं, जिससे कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब जीवन यापन के लिए धन एक दूसरे से नहीं मिलता और मांगने पर भी नहीं मिलता तो कलह की स्थिति उत्पन्न होती है और जो संबंध होता है वो नीरस यहाँ पे हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ दो विवाह के योग, तो ये दो विवाह के योग भी बना देता है। कब बनाएगा? जिस घर में, जिसकी राशि में यह गुलीक बैठा हुआ है, अगर उसकी दशा व अंतर दशा चल पड़े तब ये सिचुएशन घातक हो सकती है, क्योंकि इस भाव में व्यक्तियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को मतभेद हो सकते हैं, अपने जीवन साथी से धोखा मिल सकता है, व्यक्ति को विदेश यात्रा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, अगर बृहस्पति शुभ दृष्टि दे रहा हो, लग्नेश बहुत मजबूत हो या दृष्टि दे रहा हो इस वाले घर को, गुलीक वाले घर को, तो सिचुएशन जो है वो पेनफुल नहीं होती है। एक चीज़ को नोट कीजिए, तो यहाँ पे जो नेगेटिव यही है कि दो विवाह की सिचुएशन, विवाह टूट सकता है, ठीक है, अलगाव हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी नुकसान हो सकता है। कई बार आप मुझसे पूछते हैं कंसल्टेशन में, मैं लिख के आपको दे देता हूँ जी ऐसी ऐसी बात हो सकती है, लेकिन आप कहते हैं जी हमारे चार्ट में ऐसा है नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो देखिए, जब आपकी एनालिसिस की जाती है तो गुलीक को भी देखा जाता है। मुझे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स का पता नहीं कि वो क्या प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन अपनी प्रिडिक्शन के लिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं। और हर चीज़ मैं आपको लिख के नहीं दे सकता कि कौन सा प्लैनेट कितने डीप में बैठा हुआ है, उसका एनालिसिस करके मैं आपको प्रिडिक्शन वहां पे स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, ठीक है जी, इसको ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुलीक का सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको लगता है कि मुझे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, अगर चाहिए तो ही आप संपर्क कीजिए, हमारे ज्योतिष घर ऐप और वेबसाइट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, और हमने फ्री का भी विकल्प दिया हुआ है। अगर आप एक कोड शेयर करेंगे ये आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे शेयर करते हैं तो आपको अवश्य एक रिप्लाई फ्री मिलेगा, लेकिन धैर्य बना रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब भैया आपने देखा गुलीक यहाँ पे प्रेजेंट है और आपने ये वीडियो देख ली तो आप पैनिकफुल हो गए, तो मैंने आपको बताया है कि अगर अच्छे प्लैनेट आपके बैठे हों तो प्रभाव जो होता है कम हो जाता है। तो उपाय के तौर पर, अगर ज़्यादा तंगी हो रही है तो भगवान शिव की पूजा करें, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं, काले तिल काली उड़द का ध्यान करें, शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुलीक का प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो याद रखिए एक चीज़ और कि गुलीक जो होता है सातवें घर पे अगर शनि देव के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ, शुक्र के साथ, राहु के साथ, तो कैसा प्रभाव देगा वो मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, ताकि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। नमस्कार, राधे राधे।